आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। 1 जुलाई यानी आज के दिन को चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है। कोरोना काल में जिस तरह से डॉक्टर्स ने लोगों की जान बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाली थी, वहीं डॉक्टरों के सम्मान के लिए आज नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। वैसे तो पहले से ही हर किसी की जिंदगी में डॉक्टर की काफी अहम भूमिका होती है। जन्म से लेकर हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय करने तक लोगों को कभी न कभी डॉक्टर का सामना जरूर करना पड़ता है, इसलिए 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। आमतौर पर लोग अपनी शारीरिक और मानसिक परेशानी को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास लगभग हर समस्या का इलाज भी मौजूद रहता है, इसलिए डॉक्टर को भगवान का दर्जा भी दिया जाता है। मैं डॉक्टर्स डे पे सबको पहले तो सबसे पहले डॉक्टर्स डे की बधाई देना चाहती हूँ सारे डॉक्टर्स को, चाहे यंग ओल्ड एनीवेयर। जो डॉक्टर है वो हमेशा मेंटली फिजिकली फिट होना चाहिए। इस संदेश को हम लोगों ने आज जागरूक किया, सब लोगों को इस संदेश को प्रसार करने के लिए हम लोगों ने वॉक का आयोजन किया। इसी सम्मान को कायम रखने के लिए हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है। वहीं आज सोनभद्र जिले में डॉक्टर डे पर फिट इंडिया के तर्ज पर डॉक्टरों ने मैराथन रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया। सीएमओ डॉक्टर रमेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। मैराथन दौड़ प्रतियोगिता मोसही से चुर्क तक लगभग 50 से अधिक डॉक्टरों ने भाग लिया। वहीं प्रतियोगिता में पहले और दूसरे तृतीय विजेता को अलग अलग पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आर एस सिंह ने कहा, फिट इंडिया के तर्ज पर आज हम सभी चिकित्सक मैराथन दौड़ की प्रतियोगिता कर लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए संदेश दे रहे हैं। मैराथन कोई भी हो, जब तक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी जीत पाएंगे। मैं ये कहना चाहूँगी कि शरीर चाहे कितनी भी एज हो शरीर की, लेकिन आत्मा हमेशा सशक्त होना चाहिए। तो आत्मा से जो शक्तिवान है वो कोई भी मैराथन को पूर्ण कर सकता है, जीत सकता है। तो ये मैं डॉक्टर्स डे पे सारे डॉक्टर्स को, वर्ल्ड के डॉक्टर्स को ये संदेश देना चाहूँगी कि सारे लोग अपने आप को हमेशा लास्ट ब्रेथ तक काम करते रहें और इसी तरह सेवा करते रहें, और जनता को ये बोलने के पहले कि आप हेल्दी रहिए, स्वयं हेल्दी रहें। वहीं महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपमा सिंह ने कहा कि शरीर चाहे जितनी भी आज हो, लेकिन आत्मा को हमेशा सशक्त होना चाहिए। आत्मा जो शक्तिमान हो वही मैराथन जीत सकता है। मरीज को बोलने से पहले आप चलती होकर स्वयं साबित करें। बता दें कि ये दिन उन डॉक्टर्स के सम्मान में मनाया जाता है जो दिन रात काम करते हैं ताकि हम और आप स्वस्थ रह सकें। डॉक्टर्स डे पर प्राइम टीवी भी डॉक्टरों को नेशनल डॉक्टर्स डे की बधाई देता है और उनके जज्बे को सलाम करता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।